एक आदमी मानसिक संतुलन से काम नहीं करता है, बाकी सारी काम वो काम नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमें ख़त्म करने हैं। भाग दौड़ में सुबह उठ के घर का काम संभालना, फिर नहा के काम के लिए भागना, फिर वापस आके फिर से घर संभालना, ये सारी चीज़ों के लिए मन का शांत होना, स्थिर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सारे कामों में ध्यान लगा के उनको पूर्ण कर पाएँ। पर अगर हमारा मन ही विचलित है तो ये सारे काम जो हैं, जो सुबह से लेकर रात तक जो हम करना चाहते हैं, जब हम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, वो एक एडेड प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए और ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें ताकि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से और खुशी से बिता सकें। किसी कारणवश वो अचानक अधिक मात्रा में या कम मात्रा में बहने लगते हैं हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसके वजह से बहुत सारे अलग अलग मानसिक बीमारियों का चालू होने का कारण है। ये मदद इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि अगर ये मानसिक बीमारी को पहले से ही हम रोक न पाएँ या इसका सही इलाज न कर पाएँ तो जाते जाते अगर बहुत सारे महीने बीत गए हैं तो इस बीमारी का ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा प्रभाव होना हमारे मन में और शरीर में हो सकता है, जिसकी वजह से आदमी का पूरा ज़िंदगी, पूरा जीवन ठीक न होने का या काम न करने का, वो सारी बहुत सारी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। मानसिक बीमारी का नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है कि मानसिक बीमारी क्या है। मानसिक बीमारी माने कोई कोई आदमी चिल्ला रहा है या रास्ते पे ऐसे ही बिना बाल बनाए, बिना कपड़े पहने चल रहा है, क्योंकि यही सारी चीज़ें ज़्यादातर हमारे टेलीविज़न मीडिया में, ज़्यादातर हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है। जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं वो ज़्यादा, उनको तो पता नहीं चलता है कि उनको परेशानी है और उनके परिवार वालों को भी काफ़ी समय तक, अगर वो पहली बार उनको मानसिक बीमारी का रोग है तो उनको भी पता नहीं चलता है कि ऐसे है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रचार नहीं किया गया है कि मानसिक बीमारियों के लक्षण ये हैं और अगर ये देखें तो उनको चिकित्सा के लिए लेके आना है। सोसाइटी के दूसरे लोग जो हैं वो ज़्यादातर इन लोगों के साथ घुल मिल नहीं जाते, वो बोलते हैं कि अगर उनको कोई परेशानी है तो हमें उनके साथ नहीं रहना चाहिए। तो एक सपोर्ट सिस्टम जो तो होता है आसपास के पड़ोसी, जो संबंधी हैं, जो घर के लोग हैं, वो पीछे हट जाते हैं और ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ते हैं, फंक्शंस के लिए नहीं बुलाया जाता है उनको। तो एक तरह का स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है जिसके वजह से वो बाहर नहीं आना चाहते। वो खुद भी एक उनको भी एक, वो भी एक असमंजस में रहते हैं कि क्या हम दूसरे लोगों को बताएं इसके बारे में, नहीं बताएं उसके बारे में, और वो भी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही रह जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए। एक तो पेशेंट खुद अपनी बीमारी के बारे में नहीं बोल सकता है, उसको ज्ञात नहीं है। उनके परिवार वाले जो उनको देखते हैं, जो ये परेशानी से जूझते हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे चिन्ह हैं परेशानियों के, और ये चिन्ह देखते ही वो तुरंत एक अस्पताल आएँ, मानसिक अस्पताल आके डॉक्टर से चिकित्सा लें। तो एक तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीशन जो बोला जाता है पेशेंट की तरफ से, वो ले सकते हैं। काफ़ी सारे परिवार वाले झिझकते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, तो अगर उनको पता चले कि ये एक बीमारी है दूसरी बीमारियों की तरह, डायबिटीज़, बीपी की तरह, जो लोगों को आता है, पर अगर दवाई लेते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं और दवाई ले सकते हैं ठीक तरह से जैसे डॉक्टर ने बताया है, तब उनको ऑटोमेटिकली ज़्यादा कंट्रोल करने में, बीमारी कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। बाहर के लोग भी जब ये जानेंगे कि ये सारे चिन्ह हैं, अगर दवाई ले तो ये ठीक हो जा
हो सकता है, तो उनको भी थोड़ा मदद करने में झिझक नहीं होगी, उनको भी लगेगा कि चलिए यही परेशानी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए और वापस आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक उसको हम संभाल सकते हैं अगर मेंटल हेल्थ एजुकेशन सही तरह से कम्युनिटी में हम दे सकते हैं।